जन जन माँ देवत्व जगाओ, आ धरती ने स्वर्ग बनाओ। परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी युग निर्माण योजना नो उद्देश्य जाहिर करो के मारा प्रत्येक मनुष्य ने देवता अने धरती ने स्वर्ग बनावी। आजनी विषम परिस्थितियों में आ संकल्प पूरो करवा माटे आओ ज्ञानी अखंड ज्योति अवृत धाराओ थी वहती करिए। नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का चैप्टर है जीवन में सुख और दुख। जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं। सुख आने पर व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, उछलता कूदता नाचता है, और जब दुख आता है तो दहाड़े मार मार कर रोता भी है। यह सुख दुख भी अनेक स्तर के होते हैं। पढ़ाई लिखाई करने में, धन कमाने में, परिवार के पालन में, देश विदेश की यात्रा आदि कार्यों में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। व्यक्ति इन सारे कष्ट को अच्छी प्रकार से सह लेता है, क्योंकि उसके सामने कुछ लक्ष्य होता है। अपनी उन्नति, परिवार का पालन करना, समाज को सुख देना, धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना इत्यादि कारणों से वह इन सारे दुखों को सह लेता है। परंतु कभी कभी जब जीवन में उसे धोखा खाना पड़ता है, विश्वासघात का सामना करना पड़ता है, और वह भी कोई अपना निकट का व्यक्ति कि उसे धोखा दे, तब जो उसको दुख होता है उसे सहन करना बहुत कठिन पड़ता है। कोई बात नहीं, यह संसार है, यहाँ सब कुछ होता है। अपने पराए सब लोग सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। जब भी कोई अपना निकट का व्यक्ति दुख देवे, धोखा देवे, विश्वासघात करे, तब भी आप विचलित न होए। यदि आपकी वीरता है उस समय कैसे उस दुख को सहन करे, कैसे धैर्य रखे, इस प्रश्नों का उत्तर है कि तब ऐसा सोचे, यह संसार अनित्य है। यहाँ सुख आते हैं वो चला जाता है, दुख आता है वो भी चला जाएगा। इस प्रकार से सोचने से यह दुख आपको हल्ला लगेगा, और फिर भी वह दुख पूरा दूर न हो तो उस दुख को, उस अन्याय को ईश्वर के न्याय पर आप पर छोड़ दे, और अपने मन में तीन शब्द बोले, ईश्वर न्याय करेगा। ऐसा सोचने से आपका दुख हल्का हो जाएगा, आपका मन बुद्धि विचलित नहीं होगा, आप अपना जीवन ठीक प्रकार से चला पाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।